नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल के लिए बजट आवंटन में 6.3% की बढ़ोतरी, सीएम ने किया केंद्र का धन्यवाद। कांग्रेस ने नकारा केंद्रीय बजट, कहा हिमाचल के लिए कुछ भी नहीं। देहरा में पूर्व मंत्री ने धमकाया कल्लर पंचायत का युवक, ऑडियो वायरल। ऊना में फेसबुक फ्रेंड ने सरकारी स्कूल में तैनात मुख्याध्यापिका से ठगे 26 लाख। और अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता में हैदराबाद की मंडी पर संघर्षपूर्ण जीत। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के लिए बजट आवंटन में 6.3% की वृद्धि की गई है, जिससे पहाड़ का विकास और रफ्तार पकड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया और कहा कि अगले 5 साल में भारत प्रगति के नए पथ पर अग्रसर होगा। बजट जन भागीदारी से नए भारत की परिकल्पना है। भारतमाला परियोजना से हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों को काफी लाभ होगा। साथ ही मनरेगा में 9% की बढ़ोतरी ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगी। बजट में हर वर्ग के कल्याण को उठाए गए कदमों से निश्चित तौर पर विकसित भारत की सशक्त नींव रखी जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने के बाद केंद्रीय सरकार का ये पहला बजट है और ये भी हमें प्रसन्नता है कि ये केंद्रीय बजट जो है हमारे देश में महिला मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के माध्यम से ये प्रस्तुत हुआ। ये विशेषता एक महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अपने आप में एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत ही संतुलित बजट जो एक साल के लिए नहीं बल्कि आगामी 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्राथमिकता है स्पष्ट करता है। हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बजट को नकार दिया है और कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के मुताबिक हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए बजट में कोई योजना नहीं है। जीएसटी के सरलीकरण का वादा भाजपा ने व्यापारियों से किया था, पर बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश में रेल विस्तार को भी ठेंगा दिखाया गया है। जनता को उम्मीदें थी कि इस बार हिमाचल को विशेष महत्व और आर्थिक पैकेज से नवाजा जाएगा, परंतु सब धराशाही हो गया है। और ये बजट जो है मेरी नज़र में दिशाहीन बजट है। देश में महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी। समाज के किसी भी वर्ग के लिए इसमें कोई खास नहीं है। पहाड़ी राज्यों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। हमें उम्मीद थी कि शायद हिमाचल के लिए जो है इसमें कोई आर्थिक पैकेज होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये बजट जो है निराशाजनक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वर्ष 2019-20 का बजट पेश कर दिया। कर्मचारी जहां बजट से नाखुश दिख रहे हैं, वहीं नौजवान इसमें रोजगार तलाश रहे हैं। किसान भाई भी बजट से ज्यादा खुश नहीं हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी ने जब बजट पर लोगों से बातचीत की तो यूं निकली प्रतिक्रियाएं। बजट काफी अच्छा है, लुभावना है, पर आशा करते हैं कि बजट में जो भी बातें बोली गई हैं वो इम्प्लीमेंट हो और जिससे आम जनता को फायदा मिले। हम चाहते हैं कि जैसे महंगाई कम हो और जो भी है वैकेंसी ज़्यादा हो, जो भी जॉब निकाली जाए उसमें वैकेंसी ज़्यादा हो और सभी को रोजगार के अवसर प्रदान किए। और मैं चाहती हूँ कि रोजगार के अवसर बढ़े और महंगाई की जो कीमत है उसमें थोड़ी कमी है। हमें उम्मीद थी कि इस बार इस बजट में आयकर की सीमा को थोड़ा बढ़ाया जाएगा और जो मध्यम श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको भी राहत दी जाएगी। और इसमें उम्मीद थी कि 5 लाख से अधिक आय के लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा, परंतु थोड़ी सी निराशा हुई है कि सिवाय धन्यवाद के उनको कुछ नहीं मिला। छोटे मोटे जो कारोबार करते हैं, जो हमारे पास जो छोटा मोटा कारोबार है उसको लेके जो पेंशन का जो केंद्र सरकार ने जो स्कीम रखी है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हम आने वाले टाइम में हमारे लिए जो छोटे कारोबारी उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। 18 में
बजट में आया था कि महिलाओं के लिए मुद्रा लोन स्पेशली महिलाएं और पुरुष दोनों ही ले सकते थे, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत इजी कर दिया गया था मुद्रा लोन लेने के लिए, तो उस समय इसकी लिमिट सिर्फ 50,000 रुपये थी। लेकिन अब इस बजट में 2019 के बजट में महिलाओं के लिए मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है और वो 1,00,000 कर दी गई है, जो हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए बहुत ही सराहनीय स्टेप है गवर्नमेंट का। पहले पैन कार्ड के थ्रू हम रिटर्न फाइल कर सकते थे, लेकिन अब हम उसे आधार कार्ड के थ्रू भी कर पाएंगे, जिससे पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों इंटरचेंजेबल हो गए हैं। उसके बाद सरकार ने एक चीज़ और अच्छी की है, जिसमें 2% TDS एक्स्ट्रा लगेगा, जहाँ पे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट बैंक से कैश विड्रॉ करके करी जाएगी। MSME उद्योग में हमारे को उम्मीद थी, जैसे 1 करोड़ रुपये तक का लोन इन्होंने 2% ब्याज की दरों में छूट दी, तो शायद ये, अगर MSME इस समय सबसे ज़्यादा क्राइसिस में से निकल रहा है, तो ये अगर लिमिट 5 करोड़ तक की होती तो ज़्यादा अच्छा होता। इन्होंने 1 करोड़ तक के लोन को 59 मिनट्स में सैंक्शन करने की बात की। इसी तरह से ये जो लोन है ये 5 करोड़ तक का होना चाहिए था, इसमें बहुत सारे फिर MSME के उद्योग शामिल हो जाते हैं। और MSME को सशक्तिकरण करने के लिए जो 1 करोड़ 59 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2018 में कदम बढ़ाया था, उसको उन्होंने और सफल बनाने के लिए कहा है। और MSME को सशक्तिकरण करने के लिए जो 1 करोड़ 59 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2018 में कदम बढ़ाया था, उसको उन्होंने और सफल बनाने के लिए कहा है। 2% इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ बात कही है, उसका पूरा डिटेल जो है वो विवेचना भी हमें करनी होगी। साथ ही वन नेशन वन पावर ग्रिड, रेलवे के बारे में हमें उम्मीद है कि हिमाचल में भी जो हमने अपना प्रस्ताव पूरा दिया हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी पे हिमाचल में भी वो लागू की जाएगी और हिली स्टेट पॉलिसी को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिससे नए उद्योग यहाँ पर आ सकें। बाकी इस बजट का स्वागत है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। एटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब सिरमौर एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए आए बड़ू साहिब। छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स व मैथमेटिक्स, पंजाबी, इंग्लिश, मनोविज्ञान, संगीत, लाइब्रेरी साइंसेज, ICT व IT सहित BEd और नर्सिंग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की शिक्षा। सभी खर्चों सहित सालाना फीस अन्य सभी विश्वविद्यालयों से कम। कैंपस प्लेसमेंट में अग्रणी कंपनियों में छात्राओं को 6,00,000 तक का पैकेज प्राप्त। साथ ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए अनुबंध, एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर 70% से अधिक प्राप्त अंकों पर स्कॉलरशिप। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जरूर मर्जी है थोड़ी, पाने दा बाद नहीं पाने मतबा, दुनिया पूजी चांद पर लछुई वाले छुई बड़े बड़ी रही, हाली तक कोई गल नहीं है। नहीं चाहिए तुम्हारे वोट और नहीं होगा लच्छू गांव का कोई भी काम। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन तुम गांव वाले गांव तक ही सीमित रहोगे। देहरा में इन दिनों सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री का ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह कल्लर पंचायत के लच्छू गांव के एक युवक को धमका रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं लच्छू पिंड से बोला, यानी रवि सर बोला रहे। सर पिछले साल है ना साड़ा एक हैंड पंप होया सेक्शन बंद करी सरकार नहीं तो जी ना बोरिंग कीते जी तक समाधान है तो मकान नहीं बेचारी के करी तेना जन बोरिंग कोई समाधान नहीं होना लछुई वाले दा कोई समाधान नहीं सकदा वोट नहीं पाने लछुई वाले दा समाधान क्या होना नहीं तो गां वाले लछुई वाले ने ना रवां वाले ने जी ना जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं लछुई ये वोटां दे पाने दा पा नहीं पाने दा मत पा जरूरत मत मर्जी है तुहाडी पाने दा पा नहीं पाने मत पा दुनिया पूजी चांद पर लछुई वाले लछुई बड़े बड़ी रही हाली तक कोई गल नहीं है। बता दें कि पूरे प्रदेश में एक पार्टी द्वारा 3,00,000 नए सदस्य जोड़ने के लिए अभियान चल रहा है, लेकिन देहरा में ये नेता ठीक इसके उलट जा रहे हैं। बहरहाल नेताजी अभी तक अपनी हार नहीं पचा पाए हैं। सरकारी स्कूल में तैनात ऊना की मुख्याध्यापिका को फेसबुक फ्रेंड ने 26,00,000 का चूना लगा दिया है। जालसाजी का भंडा तब फूटा जब उसने मैडम को फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। शातिर ने खुद को यूके का रहने वाला बताया और मैडम को वहां से महंगे गिफ्ट लाने की बात कही थी। इसके बाद उसने मैडम को फोन पर कहा कि वह हिंदुस्तान पहुंच गया है।
लेकिन एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर ने सामान पकड़ लिया है और उसे छुड़वाने के लिए 26 लाख रुपए लगेंगे। मैडम ने भी बात सच मानकर उसके विभिन्न खातों में 26 लाख जमा करवा दिए। इसके बाद मैडम का उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। सारी कहानी तब समझ आई जब शातिर ने उन्हें फ्रेंड लिस्ट से ब्लॉक कर दिया। अपने साथ हुई इस ठगी के बाद मैडम सदमे में है। डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। और अब समाचार खेल जगत से। मंडी के पड्डल मैदान में खेली जा रही अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को आर्टिलरी हैदराबाद व ट्राइम्फस मंडी के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ। हैदराबाद के मनु प्रसाद ने खेल के 9वें मिनट में पहला गोल दाग मंडी पर दबाव बनाया। मध्यांतर के बाद मंडी ने भी जवाबी हमले शुरू किए और मोहित ने 62वें मिनट में शानदार गोल दाग स्कोर बराबरी पर ला दिया। इसके बाद दोनों टीमों की ओर से बढ़त लेने के प्रयास जारी रहे, मगर खेल के 72वें मिनट में हैदराबाद ने एक और गोल दाग टीम को जीत दिला दी। जापान के काशिमा में चल रही 11वीं एशियन यूथ नेटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने स्पर्धा में प्रवेश करते ही ब्रूनी को 15 गोल से पराजित कर पदक तालिका में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। अब शनिवार को भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। हिमाचल प्रदेश नेटबॉल संघ के महासचिव एवं टीम के मैनेजर अशोक आनंद ने बताया कि शुक्रवार भारतीय टीम ने नेट पर खूब पसीना बहाया है, ऐसे में कल का मुकाबला देखने लायक होगा। सुनो सरकार, क्यों नहीं चल रही परिवहन मंत्री के गृह जिला में लो फ्लोर नीली बसें? 2 साल से जंग खा रही 41 सरकारी बसें, ओवरलोडिंग के चक्कर में जनता बेहाल, तो एचआरटीसी प्रबंधन है परेशान। सुनो सरकार, ये एचआरटीसी के कुल्लू डिपो के आरएमडी के नारंग हैं, कहते हैं सरकार स्टाफ दे तो बसें तो हम दूसरे ही दिन दौड़ा देंगे। ये गाड़ियाँ हम रोटेशन के आधार पे सभी गाड़ियों को यूज़ करते हैं और प्रेजेंटली मेरे पास स्टाफ की कमी की वजह से 13 गाड़ियाँ हैं जेएनआरएम 9 मीटर वाली, जिनको हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे जब तक स्टाफ की एलोकेशन नहीं होती। जहाँ तक उनके मैकेनिकल फिटनेस का संबंध है, हर एक गाड़ी मैकेनिकली फिट है। सुनो सरकार, झावे राम की पुकार सुनिए, इन्हें बिजली महादेव के लिए हर रोज 4 बसों की सेवाएं चाहिए। देखो, बिजली महादेव के लिए इतने यात्री जो जाते हैं, सब इस टाइम परेशानी पे चले हुए हैं, क्योंकि बस वाले जो पटाते नहीं हैं, जीप वाले जो है अब ओवर रेट ले रहे हैं। जियो ने आई एम से बसें नहीं लगी हुई है, वो एम में रखी पठा के, बिजली बेकार है, वो उनको चलाओ। सुनो सरकार, सैंज के अर्जुन सिंह की बात मानिए, करोड़ों की बसें जंग खा रही हैं, उन्हें ही चला दीजिए। ओवरलोड इस आदेश से पहले जो है सरकार को ये देखना चाहिए था कि हमने ये तो करना है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए कुछ विशेष तौर पे उसका ध्यान रखना चाहिए था। जैसे कि अभी आरएमटी वाली ये इनकी सैकड़ों बसें जो हिमाचल प्रदेश में खड़ी है, आज सैकड़ों बसें खड़ी है जिनको जंग लग रहा है, करोड़ों रुपये की बसें जो आज ख़त्म होने जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सरकार उन बसों को भी चलाने की कोशिश करे। सुनो सरकार, ये इंटक जिला कुल्लू के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा हैं और सीधे सीधे चेतावनी पर उतर आए हैं। JNURRM की बसें कुल्लू में 40 बसें रखी गई है, वो सरकार उन पर निर्णय ले और जल्द से जल्द सभी रूटों में इन बसों को चलाए। और इसके लिए हमने आज मासिक बैठक में ये निर्णय लिया, और अन्यथा 5 दिन के अंदर हमारी ये बसें नहीं चली गई तो हम इसका सरकार का भी खराब करेंगे और जिला कुल्लू आरएम का भी खराब। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। जीतो लाखों के उपहार। जी हाँ, हिमाचल का नंबर वन मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है एक आकर्षक उपहार योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर और भी ढेरों इनाम। अपनी प्रति सुनिश्चित करने हेतु आज ही अपने हॉकर से या नजदीकी एजेंट से संपर्क करें और भाग लें दिव्य हिमाचल की जीतो लाखों के उपहार योजना में। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल या संपर्क करें 01892264713 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे सुंदरनगर के 2 युवक, वर्क की जगह लगा दिया टूरिस्ट वीजा।
डीसी एसपी सिरमौर सहित एसडीएम नाहन को हाईकोर्ट के आदेश, अवैध निर्माण हटाने में करें सहयोग। पहाड़ों सहित मैदानी इलाकों में 11 जुलाई तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। और कल शिमला पहुंचेगी मुकेश अंबानी की टीम, निवेश को लेकर होगी सचिव स्तर की वार्ता। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं ललित सिंह की आवाज में ये पहाड़ी मैशअप। लच्छी लच्छी लोग गुलाने, ओ लच्छी मेरा नाम सजना। लच्छी लच्छी लोग गुलाने, ओ लच्छी मेरा नाम सजना। पानी री टंकी ओ भाई रमा, पानी री टंकी ओ बेगमा, बांकी ओ भाई रमा बेग मा, बांकी ओ बुरा लगा तेरा के पानी पियो ना, बुरा लगा तेरा के पानी पियो ना, रोटी कुछ भी आई ना। चंबावार की नदिया पारा ओ लाल रंगी है, चंबावार की नदिया पारा ओ लाल रंगी है। शिवजी का बागवान सची फूल फूल्या छना, हा फूल फूल्या छना, हा फूल फूल्या छना। बल रेशमी रुमाल न भवरा केले, आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।